जैसलमेर में लॉकडाउन के बाद खाद्य सामग्री की कालाबाजारी को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें लगातार वायरल हो रही थी। सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा के बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और खाद्य सामग्री की सरकारी और निजी दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दुकानदारों को तय मूल्य पर उचित दूरी बनाकर सामान विक्रय करने के निर्देश भी दिए। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सवाई राम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उपजी स्थितियों के बाद जिले में सरकार के आदेशों की जैसलमेर में पूरी पालना हो रही है और खाद्य आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है।